सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसे आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले टॉप 5 ग्रेनेड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिसे कैसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप एकदम प्रो प्लेयर के जैसे ग्रेनेड को इस्तेमाल कर पाओगे, आप विदाउट फाइट ये भी पूरी स्क्वाड को भी मार सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना क्योंकि ऐसे जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, खासकर उनके लिए जो रैंक गेम खेलना पसंद करते, सीएस रैंक खेलना पसंद करते और जो टूर्नामेंट में इंटरेस्टेड रहते, जिनको टूर्नामेंट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रेनेड। अगर आपको ग्रेनेड अच्छे से इस्तेमाल करने आता है तो आप किसी भी बंदे से विदाउट फाइट ले भी उसको मार सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप भी ग्रेनेड अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे एकदम प्रो प्लेयर के जैसे, और किसी भी बंदे को एकदम इजिली मार पाओगे या पूरी स्क्वाड को भी आप ग्रेनेड से मार पाओगे। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस अगर आपको परफेक्ट नेडिंग करना है तो पहला टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेस। जिस जगह पे आप ग्रेनेड मार रहे हो आपको नॉलेज होना चाहिए उस प्लेस का, जैसे कि डबल डोर हो गया, आपको पता होना चाहिए कि डबल डोर में किस किस जगह से नेडिंग किया जा सकता है। जैसे कि आप बैगों में देख सकते हो, मैं आपको पहला जगह दिखा रहा हूँ, वो है गाइस स्टेयर के नीचे से हम लोग नेडिंग कर सकते हैं, और एक ये गाइस आगे विंडो से कर सकते हैं और एक पीछे विंडो से कर सकते हैं। और गाइस डबल डोर में हर एक बंदे को पता रहता है कि आगे विंडो से पीछे विंडो से नेडिंग किया जा सकता है, बट किसी को ये नहीं पता है कि स्टेयर के नीचे में जो सीढ़ी है उसके नीचे से भी नेडिंग किया जाता है। तो गाइस आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको हर एक घर में, मतलब कौन सा भी घर हो गया, मल्टी डोर हो गया, सीमेंटेड हो गया, जो भी घर है, सबको आपको पता लगाना है कि आप किस किस जगह से नेडिंग कर सकती हो। जिससे होगा क्या, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, इसमें आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, हर एक एनिमी जो इस पोजीशन में खड़ा रहता है डबल डोर के अंदर वेट करता रहता है, हम लोग जैसे ही जाएंगे एनिमी हम लोग एकदम इजिली मार देगा। तो वैसे हम लोग इस टाइम पे नेडिंग करते हैं, आगे नहीं तो पीछे से नेडिंग करते हैं, बट जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो एनिमीज ने क्या किया, आगे के विंडो को और पीछे के विंडो को ब्लॉक कर दिया ग्लू वॉल से। तो वैसे हमारे जो दोनों ऑप्शन थे नेडिंग करने के, वो दोनों ऑप्शन ब्लॉक हो चुके हैं, बट हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज है डबल डोर के बारे में कि इस जगह से भी हम लोग नेडिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैं स्टेयर के नीचे से नेडिंग कर रहा हूँ और एकदम इजिली एनिमीज को मार दिया। इसीलिए आपको हर एक घर का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप किस किस जगह से नीडिंग कर सकते हो। और गाइस इसका प्रॉफिट तो आपको पता होगा, मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया। अभी बिना टाइम इसके हम लोग दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एनिमी पोजीशन। मींस आपको पता होना चाहिए कि एनिमीज किस कवर के पीछे छुपा है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए अगर आप नीडिंग कर रहे हो तो। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि मल्टी डोर में जो है एनिमीज इसी कवर के पीछे छुपा रहता है, जिससे हम लोग स्टेयर से आएंगे तो कवर में से निकल के एकदम इजिली मार सकते हैं। इसलिए आपको हर एक घर का पता होना चाहिए कि एनिमीज किधर किधर छुप सकता है। तो जैसे कि पता है आपको सीमेंटेड हाउस के अंदर इस जगह पे छुप सकते हैं और इस जगह पे छुप सकते हैं, और आपको पता है ये डबल डोर के अंदर किस किस जगह पे छुप सकते हैं। ऐसे आपको हर एक घर का आपको पता लगाना है कि एनिमीज किस किस जगह पे छुप सकता है। इससे क्या होगा, आपके जो ग्रेनेड है वेस्ट नहीं होगा और एनिमीज को बिल्कुल भी भागने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको परफेक्ट लोकेशन पता है तो आप कुक करके एकदम इजिली उसको मार पाओगे, ग्रेनेड को कुक करोगे और एकदम इजिली मार पाओगे, बट आपको परफेक्ट लोकेशन नहीं पता है तो आप कुकिंग का टाइम भी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे और इसी फेंकोगे तो एनिमीज को टाइम मिल जाएगा और वो बच सकता है एकदम इजिली। इसलिए आपको परफेक्ट लोकेशन भी पता होना चाहिए एनिमीज का। तो जैसे कि आप अगर मैं देख सकते हो, मेरे को एनिमीज का परफेक्ट लोकेशन पता है और मैंने ग्रेनेड को कुक किया और परफेक्टली फेंका उसके पास, और उसको एक सेकंड का मौका भी नहीं मिला और एकदम इजिली मर गया। अभी बिना टाइम वेस्ट किए अपने तीसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कुक। मींस आपको ग्रेनेड को कुक करके फेंकना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप विदाउट कुक किए एनिमीज के ऊपर ग्रेनेड फेंकोगे तो आपको भी पता है ग्रेनेड फूटने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हो मैंने डायरेक्ट ग्रेनेड को फेंका विदाउट कुक किए, तो देख सकते हो एनिमीज को थोड़ा सा टाइम मिल गया और कवर चेंज कर लिया और ग्रेनेड मेरा वेस्ट हो गया, बट मैंने कुक करके फेंका इस टाइम और एनिमीज एकदम इजिली मर गया। और गाइस कुकिंग के साथ आपका रेंज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एनिमीज दूर है तो आपको ज्यादा कुकिंग नहीं करना है, आपको कम से कम 2 सेकंड नहीं तो 3 सेकंड, इससे ज्यादा कुकिंग नहीं करना है। वही शॉर्ट रेंज की बात करें तो आपको 2 सेकंड ही कुक करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। लॉन्ग रेंज में 3 सेकंड, शॉर्ट रेंज में 2 सेकंड। तो क्या जैसे कि आप आगे मैं देख सकते हो एनिमीज घर के अंदर है और मैंने ग्रेनेड को 2 सेकंड कुक किया और फिर फेंक दिया, और एनिमीज शॉर्ट रेंज में था इसलिए मैंने 2 ही सेकंड कुक किया और फेंक दिया, एनिमीज एकदम इजिली मर गया। तो गाइस मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा टिप्स एंड ट्रिक्स बताया, ये तीनों टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करके आप किसी भी घर के अंदर किसी भी एनिमीज को मार पाओगे। बट अभी बात करते चौथी टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो की है अगर एनिमीज खुले में और ग्लू वॉल के कवर में, तो आप उसको कैसे मार सकते हो। तो गाइस जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो,
कि एनिमे शॉर्टेज में और ग्लोअल के कवर में, और मैं ग्रेनेड कुक करने के माने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एनिमेज को पता चल जा रहा है। और आपको भी पता होगा, अगर आप शॉर्टेज में ग्रेनेड कुक करोगे तो एनिमेज को भी पता चल जाता है, तो एनिमेज को भी पता चल जा रहा है और वो बार बार मेरे ग्रेनेड को डॉज कर दे रहा है, कुक करने के बाद भी डॉज कर दे रहा है। इस टाइम पे आप दो चीज कर सकते हो, एक चीज तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो पता होना चाहिए एनिमेज किस साइड है ग्लोअल के, और फिर आपको ग्रेनेड को एकदम परफेक्ट कुक करना है, फिर आपको फेंकना है। तो ये पहला तरीका है, आप ऐसे करके भी मार सकते हो अगर एनिमेज ग्लोअल के पीछे है, बट इसमें कभी कभार एनिमेज बच जाता है। बट दूसरे तरीके में कभी भी एनिमेज नहीं बच सकता है, उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आप बैगों में देख सकते हो, तो जैसे कि आप बैगों में देख सकते हो एनिमेज ग्लोअल के पीछे है, तो पहले मैंने नॉर्मल ग्रेनेड मारा, उसके जस्ट बाद मैंने कुक करके ग्रेनेड लेफ्ट साइड मारा और एनिमेज देख सकते हो एकदम इजिली मर गया। तो ऐसे करके भी आप एनिमेज को मार सकते हो, बस इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए अपने 5 टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एक बंदे के साथ होता है। जैसे कि आप आएगा मैं देख सकते हो मैं ग्रेनेड मार रहा हूँ टावर पे, बट टावर के ऊपर ग्रेनेड रुक नहीं रहा है, उसके उस साइड चला जा रहा है। तो ऐसा हर एक बंदे के साथ होता है। तो आपको ऐसे करके ग्रेनेड नहीं फेंकना है जैसे मैं अभी फेंक रहा था। आपको क्या करना है, जो देख सकते हो ऊपर का जो देख रहे हो टावर पे इतना सा एरिया जो दिखा रहा हो, इस एरिया में आपको ग्रेनेड फेंकना है। तो जैसे कि आप बैगों में देख सकते हो मैं उतने से जगह पे ग्रेनेड को फेंकने जा रहा हूँ, मैं ग्रेनेड को कुक कर रहा हूँ, और जैसे कि बैगों में देख सकते हो 2 सेकंड बाकी है, फिर मैंने ग्रेनेड फेंका और एनिमीज एकदम इजिली मर गया। और वो एनिमीज टावर के ऊपर किधर भी रहे, मतलब जैसे कि आप बैगों में देख सकते हो एक तो सीढ़ी के बाजू में रहते हैं, और एक बीच में रहते हैं, और एक कोने साइड में रहते हैं, यही तीनों पोजीशन में एनिमीज रहता है ज्यादातर। अगर ये तीनों पोजीशन में से कौन से भी पोजीशन में अगर आप ग्रेनेड कुक करके मारोगे जैसे मैंने बोला, तो एनिमीज एकदम इजीली मर जाएगा। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहले आ तो जल्द से सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर सकते हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।